नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थवास। थाना सिंदौली क्षेत्र के गांव बिलंदपुर गद्दीपुर निवासी योगेश सिंह प्रधानपति ने कोतवाली में तहरीर दी कि ग्रामीण ने मुख्यमंत्री से आवास के संबंध में शिकायत की थी, जिसकी जांच करने ब्लॉक स्तर की टीम पहुंची थी, जिसमें सचिव श्रवण कुमार, सचिव विनय चौधरी और जेई शिव कुमार ग्राम पंचायत में आवास की जाँच कर रहे थे। तो वीडियोग्राफी के दौरान शिकायतकर्ता और उसके परिजन गाली गलौज करते हुए हमला करने लगे, जिसमें प्रधानपति योगेश को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पीटने के दौरान नाली में गिर गया, बहुत मुश्किल से ग्रामीणों ने बचाया और प्रधानपति ने घर में खींच ले जाकर तमंचे के बल पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। वीडियो सौरभ गंगवार ने बताया, ग्रामीण ने IGRS पर शिकायत की थी, जिसके संबंध में टीम गाँव में जाँच करने गयी। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने जांच टीम से अभद्र व्यवहार करते हुए प्रधान के साथ मारपीट की है। इसके खिलाफ कोतवाल से कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह भदौरिया ने बताया, तहरीर आई है, प्रधान के साथ मारपीट की गई, मुकदमा लिखाया जा रहा है। परमार्थवास से न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। हमारा नाम योगेश सिंह, हम प्रधानपति बिलंदपुर गद्दीपुर। अभी हमारे गांव में जे साहब और सेक्रेटरी साहब गए थे, एक MB होनी थी खड़ी नाली की, उसके लिए और आवाज शौचालय देखने गए थे। तो शौचालय उनके घर शौचालय देखने गए, जिसका अभी 6000 की किस्त आई थी वो देखने गए थे। तो इस पर रणधीर सिंह तनाव छोटे सिंह ये आया और गालियाँ देने लगा कि तुमने हमारा आवास कटवा दिया पहले था। तो हमने कहा कि पक्का घर था, तभी कट गया होगा, जांच टीम आई होगी। तो कहा तुमने कटवा दिया और मारने लगा, फिर पूरा घर जो है उनका हम पे हावी हो गया, सब मारने लगे। कितने लोग थे मारने वाले और कि कैसे क्या मारपीट की है तुम्हारे साथ? वो रणधीर था, उसका एक छोटा भाई था और उसकी भाभी, उसकी बहन थी और उसकी मम्मी थी और पापा भी थे उनके। उसको सब लोग मारने लगे, मारते मारते नाली में गिर गया। फिर भी वो लोग फिर भी मारा उन्होंने, उसके बाद भी सीने में चोट लगी है।